इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीके न्यूज पर। दोस्तों, रविवार की रात से टीवी जगत का सबसे बड़ा ड्रामेबाज शो यानी बिग बॉस की शुरुआत होने वाली है। यह शो का 13वां सीजन होगा जो कि हर बार से ज्यादा मजेदार होगा। बताया जा रहा है कि इस बार शो की शुरुआत का एक महीना खास होगा और लोगों को बड़ा सरप्राइज मिलेगा। शो के होस्ट सलमान खान भी यह बात कह चुके हैं कि इस बार शो में पहले 30 दिन खास होंगे। अभी तक चैनल द्वारा कंटेस्टेंट के चेहरे तो रिवील नहीं किए हैं, लेकिन दर्शकों ने इनके नामों के अनुमान लगा लिए हैं। माना जा रहा है कि इस साल शो को धमाकेदार बनाने के लिए कई सारे बड़े बदलाव किए गए हैं। वहीं अब तक शो में आने वालों में से सिद्धार्थ शुक्ला, रश्मि देसाई, देवोलीना भट्टाचार्य का नाम कंफर्म हो चुका है। इसके अलावा अब जल्द ही प्रीमियर के बाद सभी नामों के खुलासे हो जाएंगे। माना जा रहा है कि इस बार एक्ट्रेस कोयना मित्रा भी घर का हिस्सा बन सकती हैं, क्योंकि उनका एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें वो दुर्गा पूजा मिस करने की बात कर रही हैं। इस ट्वीट के बाद से फैंस उनके बिग बॉस में आने की बात कर रहे हैं, और इससे पहले भी खबरें आ चुकी हैं जिसमें बताया गया था कि कोयना मित्रा इस बार शो में आ सकती हैं। सलमान खान के साथ लॉन्चिंग के समय मंच पर बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल नजर आई थीं, जिसके बाद कहा जा रहा है कि इस बार अमीषा पटेल भी बिग बॉस के टास्क में हिस्सा ले सकती हैं। हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, और देखना है कि आखिर आज रात को सलमान खान किस किस स्टार को घर में एंट्री करवाते हैं। इनके अलावा देवोलीना भट्टाचार्य, दलजीत कौर और आरती सिंह के नाम भी चर्चा में हैं। इनमें रश्मि देसाई सीजन की हाईएस्ट पेड प्रतिभागी होंगी। आपको बता दें कि पिछले 2 सीजन से घर में कॉमनर्स को भी मौका दिया जाता था, लेकिन इस साल शो की टीआरपी को मद्देनजर रखते हुए केवल सेलेब्स को ही घर में एंट्री दी जा रही है। बता दें कि आज रात 9 बजे से कलर्स टीवी पर बिग बॉस 13 का ग्रैंड प्रीमियर होने वाला है। दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें।